मैंने अध्यक्ष जी प्रश्न किया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हमारे प्रदेश में टोटल कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं और कितने ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ पूर्ण क्षमता से कार्यशील हैं। तो जवाब में आया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो कि पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी कि 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, जिसमें स्वयं एक देश की ताकत है और यहाँ के मासूम लोगों की, जनता के वोट से सेंटर की सरकार बनती है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आए दिन हो रहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, जिस तरीके से अभी रिसेंटली हुआ प्रयागराज में बम्बार्डमेंट और गनशॉट इंजरी, इस तरीके के केसेस हों, किसी तरीके के कोई घर में एक्सीडेंट्स हो जिसमें लोग गिर जाते हैं, या फिर बर्न इंजरीज जो कि बहुत ही कष्टदायक होती है, इनके ट्रीटमेंट्स इन ट्रॉमा सेंटर्स में होते हैं। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रॉमा सेंटर्स हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अगर सेंट्रल का डेटा देखें तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, या फिर ग्रामीण की सड़कें हों। तो मेरा ये सवाल है अध्यक्ष जी कि जनपद बार ट्रॉमा सेंटर्स की स्थापना सरकार क्या कराएगी, और कराएगी तो कब तक कराएगी? क्या आपके इस कार्यकाल में आप आश्वासन देते हैं कि आप जनपद बार ट्रॉमा सेंटर्स को स्थापित करेंगे? साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि 30% से ज़्यादा जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, RBI डेटा के अनुसार वो बिलो पावर्टी लाइन है, और उसके बाद लो सोशियो इकोनॉमिक का हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है। और जब भी इस प्रकार के ट्रॉमास होते हैं उसके कारण से बहुत गंभीर तरीके की चोटें लगती हैं, और उस व्यक्ति को ICUs में काफ़ी दिनों तक रहना पड़ता है, और उसका जो खर्चा है वो बहुत ही बड़ा आता है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूँगी मंत्री जी से कि इस दौरान जब तक आप ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं वो स्थापित नहीं